Hello and welcome to my channel HO Train Reversal Dioramas. I am Ashim and you are watching my model railroad. दोस्तों आज मैं दरअसल मेरा जो ट्रेन सिग्नल्स है इन सिग्नल्स को यहाँ पे असेंबल कर रहा हूँ, तो चलिए आज का एपिसोड इसी के ऊपर हम बनाते हैं। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि टू एस्पेक्ट सिग्नल हम कैसे मॉडल रेल रोड में इंस्टॉल करते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल इंस्टॉल टू एस्पेक्ट सिग्नल्स वन बाई वन एंड प्लीज़ वॉच द एंटायर वीडियो। ज़रा ध्यान से पूरा वीडियो देखना दोस्तों कि मैंने कैसे इसको इंस्टॉल किया, कैसे इसका वायरिंग वगैरह मैंने किया, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा भी कोई भी पोर्शन इस वीडियो का स्किप मत करना, साथ रहना और पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारे आज का जो टॉपिक है, यानी कि हाउ टू असेंबल और इंस्टॉल टू एस्पेक्ट सिग्नल ऑन एचओ स्केल मॉडल रेल रोड। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोजेक्ट। चलिए, सो फ्रेंड्स, दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव टू इंस्टॉल फोर सिग्नल्स, यानी कि एक, दो, तीन और चार। ये चारों सिग्नल यहाँ पे मैं लगाऊंगा और मेरे पास अभी एक पैकेट फुल और एक कंटेनर में भी पूरा फुल सिग्नल्स है। बहुत सारे सिग्नल्स मुझे इंस्टॉल करना है मेरे इंटायर डायोरामा में। तो यहाँ से चलिए मैं आपको एक सिग्नल पहले लेके दिखाता हूँ। चलिए एक मैं पिकअप कर लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे सब जंबल होके रह गया, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो एक सिग्नल से हम पहले आपको एक बार दिखा देते हैं कि इसको इसका बेसिक वायरिंग कैसा होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्नल है, थोड़ा फोकस कर लूँ। हाँ, अब देखिए कि यहाँ पे देखिए तीन वायर है। ये जो ये है बेसिकली फर्स्ट वाला, ये है रेड वायर यानी कि जो रेड सिग्नल के लिए, और ये ग्रीन वाला है ग्रीन सिग्नल के लिए। ये दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। और नीचे ये जो है, ये है बेसिकली कॉमन नेगेटिव, इसके साथ वन की रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये जो बेसिक वायरिंग है ये इस सिग्नल का है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ बाकी के तार कैसे जोड़ना है और क्या क्या करना है आपको हम दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम उस तरफ चलते हैं। तो चलिए पहले हम इसे मार्किंग कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे मुझे सिग्नल बैठाना है। तो पहले हम यहाँ पे इस जगह पे हम इसको बैठाएंगे जो स्टेशन से एक एंड है, इस स्टेशन का एक छोर है, इस तरफ हम लगाएंगे इसको। तो हम यहाँ पे चार केबब स्टिक यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करके इस जगह को हम पॉइंट आउट करेंगे। तो ये हो गया मेरा पहला वाला, यहाँ पे पहला सिग्नल बैठेगा जो फर्स्ट ट्रैक के लिए है। फिर यहाँ पे हम सेकंड स्टिक को डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेकंड सिग्नल यहाँ पे बैठेगा। चलिए स्केल को भी ठीक रखना है ताकि थोड़ा आगे पीछे ना हो जाए, पूरा जो सिग्नल वो एक ही रो में होना चाहिए। और फिर यहाँ पे आएगा मेरा थर्ड स्टिक यानी कि थर्ड सिग्नल जो यहाँ पे बैठेगा, और फिर उस ट्रैक के लिए नंबर फोर ट्रैक के लिए यहाँ पे आएगा मेरा फोर्थ स्टिक। तो ये चारों जगह मैंने पॉइंट आउट कर लिया है, अभी इसको हम ड्रिल करेंगे। तो चलिए हम इसे ड्रिल शुरू करते हैं। तो फिर एक एक करके यहाँ पे हम चारों ड्रिल कर लेते हैं, मेरे पास ड्रिलर है। तो चलिए फर्स्ट वन। Now it is time for the second one. चलिए अब तीसरे को भी कर लेते हैं। And now the last one. चौथा। तो आफ्टर ड्रिलिंग अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे वैक्यूम कर लूँगा जितना भी थर्मोकोल वगैरह यानी कि जो भी डस्ट निकल के आया है उसे पहले हम वैक्यूम कर लेते हैं, इस जगह को हम क्लीन कर लेते हैं पूरा। चलिए अब चलिए हम पहले सिग्नल को यहाँ से फिट करती है, यानी कि जो तीनों वायर है वो इस होल से हमें नीचे की तरफ डाल देना है ऐसे। तो चलिए ये तो यहाँ से इंसर्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम दिखाएंगे इसको इंसर्ट करने के बाद। दोस्तों आप देखिए कि एक चीज़ हमको करना है अभी कि हमको क्लियरेंस देखना है कि जो एक लोको यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं
और उसी लोको से हम पहले उस लोको के हैंड से रोल करेंगे और देखेंगे कि किसी भी हिस्सा जो लोको का वो सिग्नल से टच तो नहीं हो रहा है। ये हर एक सिग्नल को आप जब फिक्स कर रहे हो तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे पकड़ के हम पहले एक बार देख लेंगे। अच्छा तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। देखिए नहीं, क्लियरेंस सही है। देखिए ये क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। पहले आप फिक्स कर ली, फिर आपने देखा कि भाई ये तो लोको तो सिग्नल से टच हो रहा है, ये बहुत ख़राब हो जाता है, फिर पूरा चीज़ आपको तोड़ना पड़ेगा। तो हम एक बार दोनों तरफ से हम इसको देख लिया कि नहीं परफेक्ट और क्लियरेंस यहाँ पे है, जिससे हम अभी काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको एक चीज़ मैं अभी दिखाऊंगा, तो ज़रा गौर कीजिए इस चीज़ के ऊपर। दोस्तों इसे कहा जाता है टॉगल स्विच। टॉगल स्विच दरअसल तीन पिन नीचे रहता है और इसमें ना ऑन ऑफ नहीं होता है, दोनों तरफ ऑन ऑन होता है, यानी कि इस तरफ भी ऑन, इस तरफ भी ऑन। तो इसे ऑन ऑन स्विच भी कहा जाता है या फिर ऑन ऑन टॉगल स्विच भी कहा जाता है। तो अब चलिए हम आपको दिखाएंगे कि इसके साथ हमें कैसे वायर्स को शोल्डर करना है। तो ये टॉगल स्विच के साथ पहले हम इसे शोल्डर करेंगे, यानी कि जो बेसिक वायरिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे मैंने अभी थोड़ा एक्स्ट्रा तार जोड़ के रखा है, तो चलिए उस वायर को भी हम आपको दिखा देते हैं। सो फ्रेंड्स ज़रा ध्यान से देखिए, ऊपर से मैंने तीन तारों को नीचे इंसर्ट किया और तीनों तार के साथ मैंने एक्स्ट्रा कुछ वायर यहाँ पे लगा दिया है ताकि लेंथ बना रहे, जिससे मेरा जो पॉइंट है, पावर पॉइंट है, वहाँ तक इसे ले सकूँ। तो देखिए ये पॉजिटिव वायर हो गया और दोनों ही रेड और रेड पॉजिटिव हो गया और ये जो है कॉमन नेगेटिव, इसको भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है ऐसे। तो ये तीनों वायर है और वहाँ से निकल के ये अभी चलेगा पावर पॉइंट के तरफ। तो उस इसके बीच में आता है टॉगल स्विच। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं ये तीनों जो बाकी एंड है, इन एंड को कहाँ कहाँ पे आपको जोड़ना है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम शोल्डरिंग शुरू करते हैं इस टॉगल स्विच के साथ। तो शोल्डरिंग तो आप सबको पता ही है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि ये जो मेरे हाथ में वायर है, ये बेसिकली रेड जो वायर है लाइट का, उस वायर से आया है, उसका एक्सटेंशन है। तो अभी मैं इसे पहले यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा ऐसे और धीरे से इसको मोड़ दूंगा यहाँ पे, एकदम परफेक्टली इसे मैं सेट कर दूंगा ताकि ये परफेक्ट यहाँ पे अटैच हो जाए और फिर यहाँ पे मैं इसको शोल्डरिंग करूँगा। तो चलिए हम इसे शोल्डरिंग कर लेते हैं। शोल्डरिंग तो आपको पता है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो दोस्तों जब तक मैं इसे शोल्डरिंग कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और जिस जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने ये शोल्डरिंग कर दिया। अभी इसी तरह बाकी जो अपोजिट एंड है उसको भी मुझे शोल्डर करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे शोल्डरिंग कंप्लीट कर लिया है। अब फंडा क्या है समझिए कि देखिए दोनों तरफ, यानी कि ऊपर और एकदम नीचे की तरफ जो दो पॉइंट है, यहाँ पे बेसिकली मैंने जोड़ा है रेड और ग्रीन सिग्नल से आने वाला तार को, और ये एक जो एंड है ये है बेसिकली कॉमन पॉजिटिव, ये जाके एक पॉजिटिव सेक्शन यानी कि पावर पॉइंट में ये जुड़ जाएगा। तो अब आपको दिखाते हैं। देखिए ये है मेरा एलिमिनेटर। एलिमिनेटर यूज़ में मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि इससे पावर को मुझे ठीक ठाक चलाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 वोल्ट पे इसे फिक्स कर दिया है और अभी जो एलिगेटर क्लिप दोनों है, इन ये दोनों एलिगेटर क्लिप के साथ मैं इसे जोड़ूंगा। तो ज़रा गौर कीजिए, वॉच केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। सो पहले मैं इसका ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें पावर आ गया है। अभी मैं क्या करूँगा, अब देखिए अभी यहाँ पे ये जो वायर्स है, एक मिनट मुझे वायर को कलेक्ट कर लेने दीजिए। ये देखिए ये जो है ये बेसिकली कॉमन नेगेटिव वायर है जो आया है, बेसिकली जो कॉमन नेगेटिव 1 रेजिस्टर वाला जो वायर था उसके साथ मैं ये नेगेटिव जो एलिगेटर क्लैंप है इसे हम लगा देते हैं। अभी जो टॉगल स्विच है, आपको अभी मैंने दिखाया कि इसके एकदम मिडिल से जो वायर निकल के आ रहा है, यानी कि जो हमारे लिए कॉमन पॉजिटिव बनेगा, इस वायर के एंड को हमको लगा देना है रेड वाला एलिगेटर के साथ, यानी कि पॉजिटिव एलिगेटर के साथ। तो चलिए हम इसे भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको ऑन करूँगा, तो चलिए ऑन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अब देखिए कि जैसे मैंने ऑन किया, ये ग्रीन जो लाइट है ये ऑन हो गया है, क्योंकि अभी ये ग्रीन के तरफ ये टॉगल का ऑन स्विच है। अभी जैसे ही मैं इसको उस तरफ दूंगा, यानी कि ऑन, दूसरा देखिए ये रेड हो गया। तो ये एकदम
इजी एंड कॉमन बेसिक वायरिंग सिस्टम है, और बाद में मैं इन सारे सिग्नल्स जितने भी स्विचेस है, बहुत सारे स्विचेस होगा, उनको मैं एक पैनल बोर्ड में लगाऊंगा। आज तो आपको दिखा रहा हूं कि देखिए ऑन ऑफ करते ही, यानी कि ऑन ऑफ नहीं, ऑन ऑन करते ही दोनों तरफ से ये परफेक्टली चल रहा है। तो दोस्तों अब टाइम है एक टेस्ट रन का, तो चलिए एक टेस्ट रन हम कर ही लेते हैं। तो दोस्तों आज चलते हैं, बहुत जल्द हम आएंगे दूसरे पिछले किताब, तब तक स्टे ऑन द ट्रैक्स, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।